पीसीएस या एंट्री में जो बायो आती है, प्रैक्टिकल बायो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मेंस पे थोड़ा सा आता है, सिस्टम्स वगैरह काफ़ी डिटेल में आते हैं, सब हम पढ़ते हैं। बट अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी की, तो सिंपल क्वेश्चन, कई बार तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। सिंपल है क्वेश्चन आ सकता है, इसकी दो ब्रांचेज आ सकती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, और लोगोस होता है स्टडी, लोगोस जहाँ पे भी होगा लॉजी, तो वो स्टडी, लोगोस का मतलब स्टडी से रिलेटेड होगा, तो वो स्टडी है, ठीक है। तो बायो और लॉजी, और इसकी जो दो ब्रांचेज होती हैं, होता क्या है, उसके अंदर हम सब चीज़ें पढ़ते हैं। या आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, कल आपको पूरा थ्योरी वाइज जो भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा, ठीक है, कि किसने इसकी खोज की थी, कौन फादर ऑफ बायो वगैरह वगैरह, ये सब है, ठीक है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा एक चीज़ कि बायो आप पढ़ रहे हो तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, कि स्पेशली हिंदी माध्यम वाले, कि उनको टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं बायो में मैक्सिमम कई बार, पर हिंदी जो होती है काफ़ी क्लिष्ट हो जाती है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER बोलना ज़्यादा ईजी होता है, बजाय कि अंतः प्रद्रव्यी जाली का। माइटोकॉन्ड्रिया बोलना ईजी हो जाता है, जबकि सूत्रकणिका, है ना, स्प्लीन को प्लीहा, हालांकि मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश रखिएगा कि आप जब उच्चारण करें तो दोनों का उच्चारण करें, यानी आपको दोनों पता होना चाहिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे। कई बार आपने देखा होगा साइंस में कई बार हो जाता है टर्म में, क्योंकि वो खुद जब पेपर बनता है तो कई बार ऑप्शंस में वो उसी को देवनागिरी लिपि में लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत बार हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध हिंदी में काम चलने वाला नहीं है। इसमें कई बार ऐसा होता है टर्म्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका लिखने की बजाय वो माइटोकॉन्ड्रिया लिख देंगे देवनागिरी में, पर इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग MITO होती है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी बायो में सिलेबस आपका सिर्फ यही है। क्वेश्चन जो आते हैं रैंडमली कहीं से भी आ सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको जीव विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट से मुझे ये बताइए कौन बेसिक से पढ़ना चाहता है, जरा मैं जान, क्योंकि मेरा तो अपना सब्जेक्ट रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि डीप पढ़ लें आप। मेंस पे तो आता है डीप, क्योंकि सिस्टम्स आते हैं, कई बार पाचन तंत्र के बारे में डिटेल, वो मेंस का विषय है। अभी तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, क्या हमारी इसोफेगस में पाचन तंत्र होता है या नहीं होता है, नहीं होता है ना। प्रोटीन हमारा स्टमक यानी पेट में, आमाशय में होता है, सबसे ज़्यादा समय तक खाना कहाँ रहता है, कहाँ पचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इस तरह से अभी तो क्वेश्चन सिंपल होंगे। तो कौन बच्चे हैं जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जरा पहले मुझे बता दे, ताकि मैं कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा आगे से पढ़ाना शुरू करूँ। कितने लोग हैं जिनका बायो शुरू से पढ़ना है, थोड़ा बेसिक से पढ़ना है? बेसिक मतलब यही सब चीज़ें। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं बबीता। अनम्यूट कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि जितने बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए मत, सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए, वो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो अनम्यूट करेंगे, ठीक है, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट है सभी, आप लोग भी, है ना, ठीक है। तो फिर ऐसे ही करते हैं, बेसिक मतलब बहुत बेसिक नहीं, बट सिंपल बताऊंगी। तो जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु, वही जो कि बायो जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है, उसके भी पिता। तो अभी हम देखते हैं जीव विज्ञान को डिवाइड करते हैं। देखो जीव जंतु जो थे वो बहुत सारे थे, उनकी संख्या, उनको डिवाइड करना, फिर किसी, अभी हम पूरे फाइलम भी पढ़ेंगे, कई तरह के फाइलम पढ़ेंगे। तो किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, फिर बहुत सारी क्लास, फिर जीनस, स्पीसीज, इन सब में डिवाइड होता है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो लोअर लेवल पे आता है डिस्क्रिप्शन के, वो क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। पर फिलहाल जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है, एक होती है जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, और दूसरी होती है इसकी वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो सिंपल, ये होती है आपकी जूलॉजी, ठीक है, और ये हो जाती है आपकी बॉटनी, ठीक है। दोनों लाइफ है, दोनों लिविंग है। जीव विज्ञान है स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। तो ये जीवन का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ इसमें अभी हम वो भी देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान को हम कितने लेवल पे पढ़ेंगे तब हम इसमें जैविक और अजैविक कारक भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक आएगा, जैविक अजैविक कुछ टर्म्स में आज डिस्क्राइब कर देती हूँ, बाकी फिर कल देखेंगे। जैविक यानी कि लिविंग होते हैं, लिविंग, और ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैविक और अजैविक कारणों में अगर आप देखें यानी कि आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने वाले कौन से कारण होते हैं, तो वो दोनों कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, यानी कारक होते हैं, ये कारक हैं। और ये कारक ही, दोनों कारक ही हमारी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, जैविक और अजैविक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैविक में आ जाएगा आपके, जैविक में देखो जैविक में क्या चीजें हैं, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, कवक, पंजा, ये सब जैविक कारक होंगे। जबकि अजैविक में आपका हवा, पानी, जो मिट्टी वगैरह, ये अजैविक कारण होंगे, तो इसको भी हम देखेंगे। खैर, और लिविंग, नॉन लिविंग, या इसको हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, ए अबायोटिक फैक्टर, है ना, ए बायोटिक, तो ये भी ध्यान रखेगा। कई बार आता है बायोटिक एंड एबायोटिक क्या है, तो इनमें से कौन सा बायोटिक है कौन सा नहीं है, वो भी हम बताएंगे। आ जाता है पेट्रोलियम है, वो सब है, तो वो ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल, जीव विज्ञान की दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जंतुओं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत आए, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, है ना, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में वनस्पति विज्ञान के, क्वेश्चन बहुत बार आए। बीजपत्री, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कौन सा लेसन से शुरुआत कर रहे हैं मैडम, कौन सा लेसन से शुरुआत कर रहे हैं हम? शुरुआत से ही शुरुआत कर रहे हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो मैं कोशिका ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज मैं शुरू कर, आज चलो पहले म्यूट कर दीजिए, पहले मैं बता देती हूँ मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो मैं शुरू जो कर रही हूँ वो यहीं से कर रही हूँ कि बायोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम, इसके बाद हम चीजें पढ़ेंगे कि अब बायोलॉजी क्या, जो मेन चीजें होती हैं, फिर इसकी ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि किस ब्रांच के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी। और फिर उसके बाद हम आएंगे कोशिका में, और कोशिका जो चैप्टर है वहां से शुरू हो जाती है आपकी असली बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि कोशिका जो होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों से बनना शुरू होते हैं हम। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव, अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से केंद्रक और उसके अन्य ऑर्गेनेली यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस यानी जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक झिल्ली जिसे बोलते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म होगा, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस होगा, है ना। फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसको भी आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मैं पहले भी बोली, सूक्ष्म आप पूरा जितना आप बायो में पढ़ने वाले हो वो है, जो कि क्वेश्चन सिंपल आते ही हैं, तो एक तो यहाँ से आपका पढ़ना है, तो ये बाद का चैप्टर है, अभी हम सिर्फ बायो में देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो जीव, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, साथ ही इनकी शाखाओं के बारे में, जैसे एक तो होता है कल्चर, एक होता है शाखाएं, जैसे आप, हम कहेंगे फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो इस तरह से डिवाइन होगी इसकी पूरी शाखाएं, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किसके अंदर कौन सा अध्ययन किया जाता है। और देन हम इसके बाद पढ़ेंगे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, उलैरिकल्चर, है ना, ये सारे कल्चर, तो जैसे एपीकल्चर है, इसके अलावा सिल्वी कल्चर की बात करें तो जंगल वाली, जो सेरी कल्चर है वो अलग है, सिल्वी कल्चर अलग है, एपी कल्चर अलग है, तो ये, और बाकी फिर ग्रीन रिवोल्यूशन और फिर ग्रे रिवोल्यूशन, तो कई सारी क्रांतियां हैं, जैसे धूसर क्रांति, हरित क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति, ये सब चीजें हम इसी में पढ़ेंगे। तो एक बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो बाद में है। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास स्लाइड्स हैं वो अदर कुछ अलग स्लाइड्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ, फिर हम लोग प्रॉपर नोट्स के वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि क्या क्या उन स्लाइड्स में है, फटाफट याद किया आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान रिपोर्ट जो आया, एक मिनट। वाला ये है ना, ये चल रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तो रही, यहाँ ठीक है, ठीक यहाँ से करता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान की अगर आप बात करें तो जीवन का वैज्ञानिक आधार यानी साइंटिफिक स्टडी। देखो लाइफ क्या है, हर एक का तरीका अलग होता है। एक होता है फिलोसफी वाला अध्ययन कि जीवन क्या है, जीवन में कुछ नहीं रखा है अब तो, वे वो तो वो फिलोसफी है। हम पढ़ेंगे सिर्फ एक मशीनरी की तरह, एक ऐसी मशीनरी जैसे जीव, ये जो है एक शरीर है, शरीर किस तरह से वर्क करता है। आपको भूख लग रही है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, आप देखेंगे अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी भूख, प्यास, निंद्रा, इन सबको कौन व्यवस्थित करता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खा रहे तो खा रहे जब मुंह से बाहर आता है तब हमें पता चलता है पच गया, ऐसा तो मतलब भर गया पेट, ऐसा नहीं है, है ना। यानी कोई ना कोई ऐसी ग्रंथि है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि बस हो गया अब नहीं खाना है, या जब खाना है तो भूख लग रही है, जब नींद आ रही है एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि बेटाइम कहीं पे भी कोई भी कभी भी सो रहा है तो उठ ही नहीं रहा, सारा सिस्टमैटिक है। तो यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हम ये भी पढ़ेंगे अभी इसी के अंदर। तो साइंटिफिक स्टडी है कैसे हम खाना खाते हैं। अगर हम मुंह में खाना डालते हैं तो क्या मुंह में सीधे इसलिए होता है कि चबाना है? नहीं, मुंह में एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, ये खाने के साथ मिक्स होके जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि शुरुआत पाचन की हो जाती है मुंह से, है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम सिंपल खाना है, हम ये नहीं बोलते कि हमारी अगर मम्मी पापा जो भी घर में हम जब खाना खा रहे थे ये नहीं बोलते कि अरे विटामिन तो दे दिया, प्रोटीन नहीं दिया, या कार्बोहाइड्रेट तो दे दिया और बाकी चीजें नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो खाना है वो संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स और इसके अलावा फाइबर्स और अन्य तत्व भी होंगे, तभी जाके हमारा खाना संतुलित आहार होगा। तो वो सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो सिंपल बायोलॉजी जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन होता है जीवन का, तो वैज्ञानिक अध्ययन होता है जीवन का, बायोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो इसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों में जंतु और जीव वनस्पति दोनों आते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि इसको एक शाखा के रूप में किसने वो किया, एस्टेब्लिश किया, तो अरस्तु ने, एरिस्टोटल या अरस्तु। नॉर्मली आप लोग सभी हिंदी मीडियम वाले हैं, बट ये इस तरह से बनाया गया है कि दोनों मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको ये नोट्स की फॉर्म में मिल जाए, तो बाइलिंगुअल है, लेकिन मैं हिंदी में ही आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो अरस्तु जो है उन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आगे देखें तो आगे कैसे होगा। बोर्ड्स का सिस्टम अलग है, थोड़ा सा रुकेंगे स्टूडेंट आप। हाँ वो झाड़ू टाइप का होगा मैडम साफ करने के। हाँ ये किया, लेकिन इसके बाद ये स्क्रीन ना आगे पीछे नहीं हो रही है, इसीलिए झाड़ू से क्लियर तो हो गया, साफ तो कर दिया मैंने झाड़ू से, बट आगे पीछे भी तो होना चाहिए, नहीं तो फिर बैक जाना पड़ेगा क्या। ये देखो बैक चला गया। हाँ हाँ ये आगे नहीं जा रहा है, आगे भी नहीं जा रहा है ना, ये इससे भी नहीं जा रहा है, तो से एक्सिट वाइट बोर्ड। चलो कंप्यूटर है, कुछ ना कुछ छेड़ते रहो। फोन और आज की टेक्नोलॉजी, फोन में कितने लोग हैं, आईफोन और बड़े बड़े फोन ले लेते हैं, पता चलता नहीं, लेकिन करते करते उसमें खेलते खेलते कुछ ना कुछ आ जाता है। एक्चुअली बोर्ड में भी है, मैंने अभी तक तो जितने बोर्ड्स चलाए हैं उनमें 4 या 5 टाइप के बोर्ड्स, ये डिजिटल बोर्ड्स में भी कई टाइप के बोर्ड्स हो गए, उनका फंक्शन कई अलग अलग है, किसी में अलग है, किसी में पीपीटी चलती है, किसी में पीडीएफ चलती है। खैर इसमें पीडीएफ चल रही है ठीक से। हाँ तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, पिता, बायोलॉजी के पिता, तो ये कहा जाता है किसको, अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। वही बायोस, मैंने आपको बताया था कि बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस मतलब स्टडी, तो बायोलॉजी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने सिंपल रखा हुआ है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो दो शाखाओं में मैंने बांटा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन आता है, तो ये आपको पता है जीव जंतु जो आएंगे, जीव में सभी आते हैं। अगर जंतुओं की बात करेंगे तो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, वहीं वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, हम देखेंगे कि किसने क्या किया है। तो पिता जो अगर जंतु विज्ञान के पिता हैं तो अरस्तु हैं, वहीं वनस्पति विज्ञान के अगर पिता आएंगे तो वो आएंगे कौन? थियोफ्रेस्टस। ये ध्यान रखिएगा कि जंतु विज्ञान के पिता हैं अरिस्टोटल या अरस्तु, जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता कहा गया है थियोफ्रेस्टस। क्यों कहा गया है? इसका रीजन ये है कि इन्होंने पता लगाया, दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में पता लगाया कि जीव जंतु की बात करें तो पूरी पृथ्वी में लगभग 500 से ज्यादा जीव जंतु हैं, जंतु जो कहते हैं। वही थियोफ्रेस्टस ने पता लगाया कि साथ ही साथ 500 से अधिक वनस्पति भी हैं, कई तरह की वनस्पति है, बाकी तो उसकी ब्रीड है ना। पर अगर प्योरली हम उनकी वनस्पतियों की बात करें कि स्पीसीज, इस तरह की वनस्पति है, तो 500 भी ज्यादा इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी। देखो जीव जंतु सारे हैं, लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं होंगे तो हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कुछ रीढ़ वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ सांप हैं, कुछ मोलस्क शेल वाले हैं, डिवाइड किया गया। अभी आप देखेंगे, उसको भी मैं पढ़ाऊंगी फाइलम्स को फटाफट, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी में हम देखेंगे, जिसे हम वर्गीकी बोलते हैं, और देखेंगे वर्गीकी में क्या क्या डिफाइन किया गया, कैसे कैसे उसको पार्ट किया गया, मतलब बहुत ज्यादा वर्गीकृत किया गया है। चलो फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि बॉटनी के जो पिता हैं, बॉटनी मतलब हर्ब्स की मतलब होती है, यानी हर्ब्स क्या होती है, इनको बोलते हैं, ये जो जड़ी बूटी वगैरह जो है उनकी बात हो रही है। तो जड़ी बूटी से रिलेटेड है, या इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड है, पौधे, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे कहाँ गई, फिर से वही हो रहा है, ये कैसे हट रहा है बार बार? बार करना है, चलो ठीक है, व्हाइट बोर्ड एग्जिट करना है। चलो अब देखो जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जीवधारियों के वर्गीकरण की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवधारियों के वर्गीकरण में इसका नाम कैरोलस लीनियस का। तो याद रखिएगा कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, वर्गीकी का पिता, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा इसे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में हम करेंगे कैरोलस लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता, जिन्होंने डिफाइन किया था प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैरोलस लीनियस की, तो ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे, यूरोप में पड़ता है स्वीडन, फिनलैंड, वगैरह जो कंट्रीज है, ठीक है। तो इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आता है। तो स्वीडन जो थे वहां के थे कैरोलस लीनियस, और उनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरा और सिस्टेमा नेचुरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही, हिंदी में भी यही नाम है। तो जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी ये कैरोलस लीनियस की पुस्तक है, जिसके माध्यम से इन्होंने वर्गीकरण किया था जीव जंतुओं का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगा। चलिए आगे, अब ध्यान रखना है, हाँ, यूरोपियन कंट्री से ही थे सब, ये जितने भी फिलोसोफर ज्यादातर रहे ना, सुकरात हो गए, अरस्तु हो गए, सब है ना। चलिए आगे देखें, सिस्टेमा नेचुरी की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है, सिस्टेमा नेचुरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इन्हीं सब में। तो ये लीनियस ने इस संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, ये भी ध्यान रखना है। कि अभी मैंने जो डिवीजन दिखाया था कि बायोलॉजी दो भाषाओं में डिवाइड हो रहा है, जूलॉजी और बॉटनी, तो किसने किया? वो किया कैरोलस लीनियस ने, और क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण किया इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। किन दो भाग में जीवधारियों को किन दो भागों में डिवाइड किया? एक तो था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत, इन दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। अगर हम बात करें इस वर्गीकरण प्रणाली की, तो इसको भी अगर हम देखें तो कैरोलस लीनियस इस वर्गीकरण प्रणाली के कारण ही वर्गीकृत का पिता कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखें क्या है, नेक्स्ट है ये कि R H विटेकर का क्या रोल था इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि द्विजगत वर्गीकरण जो दिया है वो R H विटेकर, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि एक तो उन्होंने ये द्विजगत वर्गीकरण की दो जगत कौन कौन से, एक पादप जगत है कि जंतु जगत है, मतलब डिवाइड तो कर लिया कि कुछ प्लांट में आते हैं कुछ उसमें आते हैं, पर जगत यानी किंगडम कौन कौन से हैं। तो अभी हम देखेंगे फाइलम अलग होते हैं, किंगडम अलग होते हैं, तो दो जगत प्रणाली में किया। साथ ही साथ इन्होंने 5 किंगडम की बात की, तो ये भी हम देखेंगे 5 किंगडम में कि क्या क्या है। तो पहली चीज कि इन्होंने 5 किंगडम यानी 5 जगत ही बोलेंगे हम इसको, तो द्विजगत वर्गीकरण को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। बात समझ गए। द्विजगत वर्गीकरण क्या था जिसमें हमने देखा प्लांट्स और एनिमल्स, उसको भी अब 5 में वर्गीकृत किया। और वो क्या थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये थे आपके मोनेरा, इंग्लिश में भी यही है हिंदी में भी यही होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, इंग्लिश में प्लांटी हिंदी में पादप, कवक और एनिमेलिया। ध्यान रखिएगा ये 5 जगत है, ठीक है। अब हम इस पर पढ़ेंगे कुछ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, तो वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आपको सिर्फ वर्गीकरण बताया जा रहा है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बायो थी, ठीक है। बायो के 2 पार्ट थे, एक था जूलॉजी और एक था बॉटनी, ठीक है। और ये दोनों वर्गीकरण जो किया कैरोलस लीनियस ने किया, ठीक है। अरस्तु को जूलॉजी का पिता, बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस को, है ना। और इन्होंने बताया, और इस द्विजगत प्रणाली को 5 जगत में डिवाइड किया, किसने, विटेकर ने, 5 जगत में। ये 5 जगत कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा है ना, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, प्लांटी हो गया, कवक हो गया और एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो जंतु जगत में डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। तो जंतु जगत में कोई भी प्लांट नहीं है, सिर्फ जंतु हैं, ठीक है। कवक की बात करें तो ये फंगस जो होती है, तो कवक में मशरूम भी फंगस है, लेकिन कवक है फंगस, मतलब एक तो ये ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोरोसिस जो भी है, ब्लैक फंगस के नाम से आया, तो डिजीज है। कवक वो भी है जिससे पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन औषधि मिली है। देखो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बेसिक बता रही हूँ लेकिन इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स छुपे हुए हैं। तो एनिमेलिया में तो आप सारा चीज, अब इसमें फाइलम पढ़ेंगे। एनिमेलिया में भी तो कई तरह के फाइलम मैंने अभी बताया। एनिमेलिया में वो भी है जिनकी कॉर्डेटा, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ पानी दोनों जगह रहते हैं, एम्फीबियंस। तो ये सारे एनिमेलिया में फिर और डिवाइड होगा। यानी जब देखा कि ये सब जीव जंतु हैं, ये तो डिफाइन हो गया कि ये पौधा है या आदमी है, लेकिन कितनी तरह से जंतु और बाकी क्या है, तो उनको भी करना था। तो इसके लिए ये वर्गीकरण किया जा रहा है ना? क्या आते हैं? मैसेज कर दो मुझे, मैसेज करो क्या बोल रहे हो, चैट में जाके मुझे राइट करो। एलियन लैंग्वेज लग रही, पता नहीं आप लोगों को तो क्लियर आती है ना, ये एको कर रही है, नहीं तो सही था। सब आपस में क्वेश्चन पूछते तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। महेंद्र प्रसाद कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन, जरा मुझे चैट में वो क्वेश्चन जरा जो भी कुछ आप बताना चाह रहे हो मुझे चैट में भेज दें। हाँ जी, अलग अलग किस सेंस में बोल रहे हैं आप, अलग क्या बताना है? अभी शुरुआत है इसीलिए थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, अलग ही होगा सर, आगे तो बहुत कुछ अलग है, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ मोनेरा, मैं समझ नहीं पा रही हमारी, हमें क्लियर आवाज नहीं आती है। माफ कीजिएगा, मेरे को ना आपकी आवाज सुनना चाह रही हूँ पर सुन नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज। आप वो जो बोल रहे हैं एको कर रही है। आप फोन कर, इसलिए ऐसा आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आई थिंक ये बच्चे भी नहीं सुन पा रहे। चलो आफ्टर क्लास किसी भी कोई क्वेरी कुछ भी आज पहले देख लो, और मैं एक बार इसके बाद आप लोग कोशिश, क्योंकि जुड़े हुए तो हैं आप इंस्टीट्यूट से, तो सभी जो भी एक माध्यम है, सुरेंद्र हैं यहाँ पे, उनसे बात करके उनसे उनके थ्रू मेरे से बात कर लें और अपनी जो भी डिटेल कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कोई आप बताना चाहते हैं, वट एवर कुछ भी चीज़ है वो आप मुझसे डिस्कस कर लें आफ्टर क्लास। अभी तो मुझे लग रहा है मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि आपकी आवाज़, आप कोशिश की मैंने सुनने की पर समझ में नहीं आ पाया, सॉरी, है ना। तो शुरू कर देते हैं। सिंपल मैं इसको बताऊंगी, चलो कुछ इस तरह का तो था। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि समस्त जीवों को 1969 में 5 जगत प्रणाली में वर्गीकृत किया गया। अब ये 5 जगत प्रणाली में मेन आते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा कि ये 5 जगत आते ही आते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये 5 जगत में से कौन सा है, नहीं है, या इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब मैंने आपको बताया 5 जगत में भी मैंने आपको बताया कि ये जो कवक है, हम बात कवक की कर रहे थे, तो एनिमेलिया में तो जीव जंतु है, उसको हम पढ़ेंगे। कवक की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ फंगस नहीं है बल्कि कई ऐसे कवक हैं, जैसे मशरूम एक कवक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। मशरूम के अलावा पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक होता है जिससे पेनिसिलिन नामक औषधि बनाई जाती है। तो इस तरह से कवक हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, यानी नुकसानदायक भी होते हैं लेकिन फायदेमंद भी होते हैं कुछ। पादप जगत की बात करें तो पादप जगत भी आप समझ गए होंगे, प्लांट्स। अब मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दो जो हैं ये हम पढ़ेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक तो है एक कोशिकीय जीव, दोनों इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक। आप बेफिक्र रहिए, ये सारी टर्म्स आज क्लियर हो जाएंगे। बाकी जिसकी बायो अच्छी है उसको तो पता होगा ही, जिसकी नहीं अच्छी है उसको पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जैविक, अजैविक, है ना, ये सारी चीजें क्या है। तो ये फिलहाल हम वर्गीकरण कर रहे हैं सिर्फ, तो एक स्टेप बाय स्टेप सिर्फ वर्गीकरण पे जाइए, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी प्लांटिक कवक और एनिमेलिया, इसकी 5 वो हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया, ये तो हमने बताया। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे सिंपली कि क्या क्या है, तो देख लीजिए। अगर हम बात करें मोनेरा की, तो पहले तो अभी प्रोकैरियोटिक और एकारियोटिक, मैं इसके पूरे फीचर्स दिखाऊंगी, सिंपल से उसको मैं इमेज भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, सबसे प्राथमिक जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो सभी जीव जो होते हैं वो प्रारंभिक जीव होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये जो जीव थे ये पूरी तरह से बन नहीं सके, बात समझ में। अभी डिफरेंस देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक ये सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सबसे प्रारंभिक है, ठीक है, प्रारंभिक जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और प्रत्येक शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। हम बहुकोशिकीय हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर हम स्पेशली बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव है, और ये प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें जीवाणु और साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये क्या होते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। अभी मैं बताऊंगी, फिर से कह रही हूँ, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, फिलहाल एक कोशिकीय जीव होते हैं, अलग तरह एक यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आता है प्लांटी, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्लांटी के अंदर पेड़ पौधे, फंगस, और एनिमेलिया में आ जाएंगे आपके जीव जंतु सारे। तो इस एनिमेलिया में आप देख रहे हैं, पादप जगत में अगर हम बात करें तो पादप जगत में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, जो हरे रंग का होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है, तो अभी हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल बहुपोषकीय जीव आते हैं प्लांटी में भी और एनिमेलिया यानी पादप और जंतु जगत में बहुपोषकीय आते हैं। कवक भी बहुपोषकीय है, याद रखेगा। शुरू के ये जो दोनों हैं ये एक कोशिकीय हैं, मुनेरा और प्रोटिस्टा। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, ये एक कोशिकीय यूकैरियोट है, बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, इसीलिए इनके जीव भी अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आगे जो है ये सब बहुकोशिकीय हैं, कौन कौन से, चाहे वो कवक हो, चाहे वो एनिमल मतलब जंतु हो, चाहे पादप हो, ये सब बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। तो अभी कोशिका वाला चैप्टर जो है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पास स्टडी मटेरियल मिलेगा बकायदा, और बाकी उसमें आपके जो लेक्चर्स हैं ये तो रिकॉर्डेड है, तो ये भी आप देख के अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको ज्यादा पढ़ना है, कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास गूगल बहुत सारी चीजें हैं, माध्यम कि आप में डाउट कर सकते हैं। हाँ जी शौर्य कुमार। मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कई पॉइंट्स हमारे भी बायो में सिलेबस में नहीं है इसके प्री के, क्या वो हम सारे पढ़ेंगे अभी इसी में? देखिए अभी मैंने सिर्फ बेसिक करा है, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जैसे मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताए तो वो प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में, कवक क्या एक उसको लेकर, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ ये इसके अंदर वो क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप बस ये है कि पेपर सॉल्व करते रहिए, बाकी यहाँ पे करवा रही हूँ, और बाकी रैंडमली मैं कई चीजें बोल रही हूँ, उनको आप नोट डाउन करते रहिए। हाँ जी। तो मैम जैसे मानव कंकाल वगैरह कई चीजें हैं इसमें, तो क्या अभी सिलेबस में तो है नहीं मानव कंकाल वगैरह, तो ये भी हम पढ़ेंगे इसमें भी? मानव कंकाल हाँ अभी प्री के सिलेबस में तो नहीं है शायद मैम, नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं बताऊंगी कि मानव कंकाल अगर पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस में नहीं पढ़ोगे। कंकाल तंत्र या पाचन, कोई भी तंत्र अगर नहीं है तो नहीं पढ़ो। 11 तंत्र है हमारे शरीर में, तो 12 तंत्रों को पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं कितना, मैं बताऊंगी कि अगर हड्डियां हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी होती है। कैल्शियम की तो बनी है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम फॉस्फेट भी है ना, और दूसरी तरफ अगर पथरी है तो वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, इसीलिए हम वो स्कूल वाला बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल, ये कॉम्पिटिटिव बायो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई बार जो रैंडमली मैं कई चीजें बोल रही हूँ वही क्वेश्चन आते हैं, कई बार यहाँ हम जो लिखा है रैंडमली मैं बस साइड से जो बोल रही हूँ वहां से क्वेश्चन आए। मैं बहुत बार पेनिसिलियम नोटेटम इतनी बार आ गया कि कौन सा कवक है जिससे पेनिसिलिन औषधि प्राप्त होती है। इसके अलावा म्यूको माइकोप्सिस करके ये क्या है ना, या माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, इस तरह से बहुत आते हैं। तो आप लोग बस ये शांत होकर पढ़ते रहिए और खुद आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करने, पेपर सॉल्व करते रहिए, वरना तो बायो 10-12 तक की पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी की तो 6 से 12 सारी बुक्स पढ़ डालो। हाँ मेंस पे डिटेल आएगा, इसको लेके चलिए कि पूरा कंकाल तंत्र क्या, कोई भी तंत्र आ सकता है, चाहे वो सिलेबस, कई बार होता है ऐसा कि पेपर में हो या ना हो ऊतक नहीं लिखा होगा, कोशिका लिखा हुआ ऊतक नहीं लिखा हुआ, लेकिन बिना कोशिका के, ध्यान रखिएगा ये भी आप पढ़ेंगे, बिना कोशिका यानी सेल, ठीक है, ये कोशिका होती है, कोशिका यानी सेल, इसके बाद बनता है ऊतक। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऊतक ना आए। ऊतक में फिर प्लांट ऊतक अलग है, उसके इतने क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ऊंट का जो ऊपर कुबड़ है उसमें कौन सा ऊतक है, सेल भी नहीं ऊतक है, और वो एडिपोज टिश्यू में क्या इकट्ठा होता है, वसा होता है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, डोंट वरी, वो क्वेश्चन में कवर करवा दूंगी उसी में, है ना। तो इसीलिए कि बच्चों वाला स्टडी से बेसिक ये बता रही हूँ कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे उन सब चीजों को, पर क्वेश्चन का लेवल आपका पीसीएस लेवल ही होगा, डोंट वरी, पीसीएस आईएएस जो भी आप देना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? चलो कोई कुछ नहीं। चलो तो देखो, कोशिका से बना ऊतक यानी टिश्यू, है ना। ऊतक होता है अलग, जैसे एक से हाथ बन रहा है तो ऊतक से बनता है एक, हाँ मतलब टिश्यू, पहले सेल हो गया, ठीक है, फिर टिश्यू होता है, टिश्यू से बनता है अंग यानी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, एक अंग, अंग से बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, ठीक है, अंग तंत्र, और इस अंग तंत्र से बनता है हमारा शरीर, ठीक है। बाकी फिर शरीर से बनती है जनसंख्या, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, वो फिर आगे इकोलॉजी वगैरह वो सब है। फिलहाल हम शरीर तक पढ़ेंगे। तो टिश्यू ये हो गया कोशिका, फिर ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंगतंत्र कहते हैं, और ये अंगतंत्र मिलकर एक शरीर बना देते हैं। तो ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गन, ये बॉडी, बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, बस पढ़ते रहिए। कुछ मेन मेन क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ तो पूरा नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए, तो कैरोलस लिनियस के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है कि एक तो ये वर्गीकी के पिता, दूसरा द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के पिता या जनक भी कहा जाता है इन्हीं को। तो ध्यान रखिएगा कि द्विनाम पद्धति, अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि द्विनाम पद्धति, जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस मतलब आपने देखा होगा एक नाम होती है, कास्ट होती है, तो उनमें पूछा जाता है कि जो पहला वाला है, पहला शब्द वो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला वंश बताता है, जबकि अगर हम दूसरा बात करें तो वो जाति बताता है। सिंपल, अगर आप नाम लेते हैं, हमारा भी जो नाम है कास्ट के साथ है, तो जब हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, तो जो होमो है वो हमारा बता रहा है वंश, जबकि सेपियंस सेपियंस जो दो बार कहा जा रहा है वो है सेपियंस, तो वो हमारी स्पीसीज बताता है। तो हम सभी मानव जाति के, इसीलिए कहता है मानव जाति, है ना। तो होमो सेपियंस सेपियंस। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैरोलस लिनियस को जहाँ वर्गीकी के पिता कहा जाता है, साथ ही साथ द्विनाम पद्धति का जो जनक है वो भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, उस द्विनाम पद्धति में जैसे आम का बोलेंगे मेंजीपेरा इंडिका, ये इनके बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है, ऐसे प्लांट्स के नाम भी हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मेढक हो गया राना टिग्रीना, तो राना जो इसका नाम हो गया टिग्रीना। तो ये जो द्विनाम पद्धति जो है वो इन्होंने निकाली थी, और उसमें कहा जो पहला है वो वंश को बताता है, जबकि दूसरा जाति को बताता है, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखें, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस, पहला नाम उसमें वंश, दूसरा जाति, और बाकी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी। और बाकी ये आप एक लाइन में नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले एक कोशिका होती है, ठीक है। ये कोशिका म्यूट कर, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका में कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ये कोशिकाएं एक तरीके से अरेंज होती हैं, ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित क्रम में होती हैं। इसीलिए हमारा चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसा नहीं है कि वो एलियन की तरह के एक इंसान अलग दिख रहा है, किसी की आंख यहाँ, किसी की नाक यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसे हैं, है ना। फर्क सो वो बाकी तो चीजें अलग चेंज है, पर अगर हम मशीन की बात करें तो सारे एक जैसे हैं, एक ही जगह, उनके हाथ, पाँव, आंख, नाक, कान सब अपनी जगह है, है ना। कलर भी है तो मेलानिन की वजह से ऊपर नीचे होता है। मेलानिन एक जैसे पिगमेंट, प्लांट में क्लोरोफिल होता है, ऐसे ही इंसान की अगर हम बात करें एनिमल सेल यानी एनिमल टिश्यू या इसकी, तो इनमें मेलानिन नामक पिगमेंट, क्या पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं, पिगमेंट, पिगमेंट को अभी पिगमेंट मैं बता दूंगी फिर क्या है। तो वो पिगमेंट की वजह से कोई गोरा, काला बोले, पर हम लोग सभी एक ही कलर के होते हैं। नॉर्मली गोरे होते हैं वो अंग्रेज, जिनका मेलानिन, जिनको इस मेलानिन की कमी के कारण स्किन कैंसर वगैरह कंडीशन से जूझना पड़ता है, और दूसरे होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा मेलानिन होता है, जैसे अफ्रीका के हो गए, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन हो गए, या कॉन्गो या भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले हो गए, या अलग अलग बहुत सारी भौगोलिक स्थिति इसमें डिपेंड करती है। खैर, फिलहाल अगर हम देखें कोशिकाओं का समूह तो ये अरेंज होता है, ठीक है। एक चीज और, ऊतक ये चीज बताते हैं, ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। फिर से एक जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक। तो पादप ऊतक को अभी साइड रखते हैं। जंतु ऊतक की बात करें तो ये भी 4 तरह के होते हैं। फिर इनमें आप देखते हैं स्किन, एक ऊतक है जो हमारी त्वचा बनाता है, एक ऊतक, अब ऊतक अलग अलग है ना, तो कुछ ऊतक हैं जो हड्डियां बना रहा है, कुछ ऊतक है जो रक्त जैसे आता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है ना। हड्डियों की बात है, कुछ ऊतक हैं जो हड्डियां बना रहा है, ये भी संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, ये सब संयोजी ऊतक हैं। तो ऊतक क्या होते हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं वो ये कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो सिंपल आ जाता है संयोजी ऊतक, ठीक है। हमारा जो खाना है वो किस रूप में, किस में इकट्ठा रहता है, तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू नाम होता है, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, है ना। तो वो ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। फिलहाल ऊतक इन्हीं का समूह है। आपने देखा होगा जब आप जिम में जाते हैं, आप नहीं तो जो भी जिम में जाता है, तो आपने जिम वालों को देखा होगा, ऐसे तो है नहीं कि अगर वो डंबल उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका पेट ही बाहर आता जा रहा है या बिल्कुल नाक बड़ी हो गई, आंख, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स होंगी जो पूरी तरह से ग्रो करेंगे, यानी कि आपके बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होगी, 8 पैक, 6 पैक, जिसकी जितनी वो, बट पैक पेट में ही बनेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बन के आ जा रहे हैं पैक, ऐसा नहीं है, है ना। बोलने का मतलब स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होंगे, मसल टिश्यू बोलते हैं। तो मसल टिश्यू जो होंगे, उन मसल टिश्यूज में भी कुछ ही स्पेशल टाइप, तो ये सारे टिश्यू बताते हैं कि किसका कौन सा काम है, कौन सी जगह का। तो अब इन टिश्यूज के बीच में मसल टिश्यूज हैं, इनके बीच में लैक्टिक एसिड जमा हो गया तो हमें थकान का अनुभव होता है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें थकान का अनुभव क्यों होता है, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक जो एसिड है उसके जमाव के कारण। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो वापस, तो ऊतक हो गया और अंग और अंगतंत्र वगैरह, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे द्विनाम पद्धति की बात की, तो अब ये बड़े इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, सभी मटेरियल होगा, टाइप होकर आपको मिल जाएगा। तो द्विनाम पद्धति में आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से हैं। मनुष्य की बात करें तो द्विनाम पद्धति में मनुष्यों में आ जाएंगे कौन, होमो सेपियंस, सेपियंस इसका नाम होता है। और ध्यान रखिएगा हमेशा होमो सेपियंस अगर लिख रहे हैं तो होमो तो बड़ा होता है, होमो सेपियंस हमेशा छोटा होता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम अपनी कास्ट लिखते हैं तो बड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो मैंने एक चीज देखी, स्टेट सर्विसेज के जो क्वेश्चन है वो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब वो शॉर्ट फॉर्म का, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछते हैं। साथ ही जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो वो ऑफ की जगह फॉर कर देंगे। सिंपल एक एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ऑफ की जगह फॉर कर देते हैं और चेंज हो जाता है आंसर, है ना। तो ये सारी चीजें, और आए दिन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म आप पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन आता है एलईडी लगा दो भाई, पर एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी तरह से एलसीडी, एलईडी, जो डेली लाइफ में आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो उसका फुल फॉर्म जरूर यूज करके लिख दिया करो, पढ़ लिया करो। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर आ जाएगा, क्या नुकसान है, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो दूसरा नाम है, मैंने बताया कि बायो अगर आता है द्विनाम पद्धति में, पहला नाम किसको बताता है, दूसरा किसको, तो वो मैंने आपको बता दिया। वहीं मैंने आपको एक और चीज बताई कि जब होमो सेपियंस सेपियंस, तो हमेशा ये कर्सिव राइटिंग में लिखा, कर्सिव मतलब ऐसे टेढ़े ऐसे लिखा रहता है ना, होमो होगा। और सेपियंस मतलब ये छोटा होता है, हमेशा बड़ा नहीं लिखा रहता। जैसे कास्ट में पहला नाम और जाति का पहला नाम बड़ा लिखते हैं, इसमें नहीं, इसमें हमेशा छोटा। तो ये है। अब बाकी इनके कुछ नाम है, क्वेश्चन इक्का दुक्का आए हैं बीच में, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं, बट ये वो है क्या होने के लिए। तो जितने जीव हैं उनके सबके साइंटिफिक नेम है, बट फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीव हैं जिनको आए हैं, तो ये है। हाँ, तो जैसे ये है तो इसको छोटा करोगे, कई बार टाइपिंग, अब आपको जब पता है तो अब आपको ये ध्यान रखना है अपने आप ही। तो ये हो जाएगा पाइसम, सटाइवम, मटर, डेली यूज में जो आसपास दिखते हैं उनके साइंटिफिक नेम ये रहे। तो मनुष्य का होमो सेपियंस हो गया, मटर का पाइसम सटाइवम हो गया, सरसों का ब्रैसिका कम्पेस्ट्रिस हो गया, मेढक का राना टिग्रीना हो गया, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, बिल्ली को लेके आया था, तो ये आपके अदर एग्जाम किसी में भी आ सकता है, किसी का भी जूलॉजिकल नेम। एक होता है बॉटनिकल नेम, याद रखिएगा, तो बॉटनिकल नेम पौधक वनस्पति का होगा, जबकि जूलॉजिकल नेम जीव जंतुओं का। अगर हम मेंजीफेरा इंडिका आम की बात कर रहे हैं तो वो बॉटनिकल नेम बोलेंगे कि आम का बॉटनिकल नेम कौन सा है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने बोला है आम, तो आम का मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। और कुत्ते का हमने देखा कैनिस फेमिलियरिस, और तो फेमिलियरिस को लेके क्वेश्चन आया है, मे बी किसमें आया, शायद एफआरओएसीएफ किसी में आया है ये क्वेश्चन, जिसमें पूछा है फेमिलियरिस किसका। और कई बार याद रखेगा, कई बार नाम आगे का नहीं होता, पीछे का दे दिया जाता है कि ये किसका है। तो इतनी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है बायो से रिलेटेड। और कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कौन कहाँ की नेटिव क्रॉप है, यानी कि मूल उपज कहाँ की है ना। जैसे मक्का मैक्सिको की है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एनटी का लेवल ऑफ पीसीएस का भी अब अच्छा खासा पेपर बनता है, ऐसा नहीं है वनडे एग्जाम जैसा। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि वनडे की तरह एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आते पीसीएस में, ठीक है। जिसने दिए हैं उन्हें तो पता है, जो पेपर भी कर रहे होंगे ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के बाद जो आप पेपर पढ़ रहे हो वो तो लगता है कि ईजी है, कि ईजी आया, लेकिन एट अ टाइम जब आप पेपर दे रहे होते हो तब ऐसी कई चीजें होंगी जो आपके सामने, तो आपकी समझ, आपकी कॉमन सेंस, आपकी रीडिंग सब काम आएगी, ध्यान रखिएगा। चलो तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बारे में। ये हो गई है कंप्लीट, ठीक है। हम दूसरी स्लाइड में आते हैं, इसका भी पीडीएफ चलेगा, पीपीटी नहीं चाहिए, रीड ही नहीं कर रहा, देखो पीपीटी इसमें मैं आपको ये चीज दिखा दूंगी। पीपीटी दिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं, जो टर्म्स हमने पढ़े थे उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, लाइफ जिसकी होगी उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं क्या है जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी। और अब हम इसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ वर्गीकरण पढ़ा कि वर्गीकी के पिता, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और उनके नाम, कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति, है ना, और बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं, और वर्गीकी, यही सब पढ़ा। और यहाँ से क्वेश्चन काफी कुछ अगर आता है तो आ जाता है, आया भी है, इसका पिता किसको क्या गया वगैरह वगैरह। ऐसे नेक्स्ट जो चैप्टर आते हैं वो है यहाँ को लेकर, तो इसको देख लेते हैं, इकोसिस्टम। देखो सेल वाला पार्ट मैं और आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें हम फिर एक एक चीज पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्यों कहा जाता है वो मैं कोशिका में बताऊंगी जब कोशिकांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं, पहले बेसिक हैं ये सब चीजें। तो जैसे बायोलॉजी में आपने उसका मतलब वर्गीकरण पढ़ा, तो ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखिए। इकोसिस्टम में मैंने बताया था कि दो चीजें होती है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें जैविक और अजैविक घटक, तो अब जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैविक घटक में ये सब आ जाते हैं, जीव जंतु, जंतु हो गए, पौधे हो गए, घास, कवक, जीवाणु, ये जैविक है। और अजैविक में वही वाटर, लाइट, हवा, मिट्टी, नमी, खनिज गैस, ये सब अजैविक घटक है ना। ये तो सिर्फ पढ़ने वाली बात है, पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनमें जीवन नहीं होता, इनमें होता है। हालांकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम हैं, हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगी तो अभी कल तो हम यहाँ पे बोल खड़े ही नहीं रह पाएंगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन तब हमारा एक इकोसिस्टम बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेगा कि जैविक घटक और अजैविक घटक। और सिंपल पीसेस में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ये आ जाता है कि अगर क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश किस प्रकार का घटक है। अब जिसने देखो कई लोग होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो इजी है, कई आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कई बार पढ़ा था लेकिन भूल गए या बहुत लंबे समय बाद, कई छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करने लगती हैं। तो इसीलिए हम बेसिक से ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं कि लाइट है, प्रकाश है, तो प्रकाश का जो यूनिट है पूछ ली जाती है, इकाई क्या है, तो ये याद नहीं रहता। कभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तो लाइट क्या हो गई, अजैविक। तो याद रखना जैविक घटक में जिनमें जीवन है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है, यानी नॉन लिविंग है या निर्जीव है, ठीक है। और निर्जीव है लेकिन दोनों का मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनता है आपस में, दोनों की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद वाली, तो इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका ये, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। फ्लो ऑफ एनर्जी समझ रहे हैं आप, फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का एक दूसरे में स्थानांतरण, इसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक के मध्य ऊर्जा का प्रवाह, यही आपका इकोसिस्टम है सिंपल। बायोलॉजी की बात करें तो ये सबसे पहले इस शब्द को कौन लेके आया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस लेके आया था, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखें, आगे ये याद रखिएगा। नामों को बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन नाम है। तो जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले कौन लाया था? लेमार्क। और लेमार्कवाद वगैरह ये सब आप पढ़ ही चुके होंगे, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, ये आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे तब। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है, ये लेके आए थे इस शब्द को, तो इतना ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की कि सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो देख लो यहाँ पे, ये भी बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक एक लाइन के आ जाते हैं। सिंपल कि क्या है, जीव विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं जंतुओं का, सिंपल। बॉटनी के अंदर पौधों का। अब आते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी। और ये कई बार ध्यान रखिएगा, अगर हिस्टोलॉजी को वो ऊतक विज्ञान लिख देंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बताने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं कि ऊतक विज्ञान के अंदर ऊतकों का अध्ययन है। वो लिखते ही क्वेश्चन में ऐसे हैं कि हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी वो देंगे, देवनागिरी लिपि में ही इंग्लिश लिख देंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी होता है कोशिका विज्ञान, तो इसमें सिर्फ समझने की फिर बात ही नहीं रहती। कोशिका विज्ञान के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका विज्ञान वो देंगे ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये साइटोलॉजी के अंदर हम कोशिका और उसकी संरचना और उसके कार्य, इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी संरचना, कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसके अंदर जितने भी उसके अंग हैं उनका कार्य क्या है, किस प्रकार से कोशिका कार्य करती है। तो कंप्लीट कोशिका का जो अध्ययन है वो करते हैं हम कोशिका विज्ञान एंड साइटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, ये भी इसको हिस्टोलॉजी ऐसे लिखेंगे तब जाके क्वेश्चन में आएगा। ऐसे ही फाइकोलॉजी है, तो ये शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी, और ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शैवाल का, ठीक है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है, एल्गी मतलब शैवाल। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो क्लियर याद हो गया होगा, बॉटनी या जूलॉजी। वही साइटोलॉजी सेल, हिस्टोलॉजी ऊतक, फाइकोलॉजी शैवाल, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब फाइकोलॉजी शैवाल है तो माइकोलॉजी क्या होगा? कवक, माइकोलॉजी। तो आपने देखा होगा ब्लैक फंगस का नाम म्यूकोर माइकोसिस करके नाम है उसका, तो वो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इससे संबंधित ये वाले फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैसेज कर दो अगर क्लियर नहीं आ रहा है। आप ही की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है और सबकी बहुत क्लियर आ रही है। आप मैसेज करके देखो तो जरा, पता नहीं आप ही का फोन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, नहीं आ रही है। अच्छा हाँ जी, आप ना मैसेज कर सकते हैं या मुझे ना आफ्टर क्लास आप स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि आप ही का नहीं। हाँ, माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी। यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे कि इसमें स्पेलिंग ऐसी, जैसे माइकोलॉजी बोल रही हूँ तो माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक, ठीक है। तो फाइको शैवाल, माइको कवक, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और है जी, माइकोलॉजी शाखा है, ये शाखा होती है। अगर हम बात करें साइटोलॉजी, ये शाखाओं में डिवाइड करिए, इस शाखा के अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे। देखो तो मैंने बताया ना, शैवाल कई तरह के होते हैं, है ना। शैवाल अगर हम बात करें, पानी में लाल रंग के शैवाल होते हैं, हरे रंग के शैवाल होते हैं, रेड सी है लाल सागर, उसमें लाल रंग के शैवाल की वजह से लाल पानी दिखता है ऊपर, है ना, एक तो वो है। अगर हम बात करें इसकी हरा, तो शैवाल नॉर्मली हरे ही होते हैं, और इनका काम, शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, है ना। कवक जो होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, प्रकाश जो कवक होते हैं वो सफेद होते हैं। फंगस जैसे ब्रेड में, रोटी में आए दिन फंगस काली हो गई, पीली हो गई, सफेद हो गई, फंगस सफेद और काली देखी होगी आपने हर जगह। तो माइकोलॉजी एक शाखा है जिसके अंदर डिफरेंट अलग अलग तरह के कवक का अध्ययन करते हैं। बात समझ गए? तो ये कवक है। मशरूम मैंने बताया, अब देखो रोटी के ऊपर कई जनों से बंद है, वो फंगस है, तो आप उसको तो नहीं खाओगे ना, लेकिन मशरूम बड़े चाव से खाते हैं, पिज्जा बर्गर और वैसे सब्जी बना के, तो मशरूम भी तो एक कवक है। इस तरह से प्रश्न आता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और शाखाएं होंगी इसमें। आगे अगर हम देखें तो ये आगे आ गया, आगे आ गया माइकोलॉजी। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा कि माइकोलॉजी ये कवक का अध्ययन। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो माइक्रो के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन होता है, सूक्ष्म जीवों का, ठीक है। जीवाणुओं नहीं, जीवाणु तो फिर बैक्टीरिया हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो माइक्रो मतलब छोटे छोटे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े छोटे छोटे जीव होते हैं। तो माइक्रो और बाकी जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह होती है उनसे हमें पता चल जाता है कौन कौन से जीव किस तरह से रहते हैं, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलेंगे, है ना, फिर भी देखेंगे कुछ हिंदी इसका मिलेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एसिड या अम्ल, हिंदी में हम अम्ल कहेंगे। ये होता है डीएनए। वहीं आरएनए में, आरएनए की बात करें तो ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए आरएनए ये दोनों ही, डीएनए और आरएनए ये दोनों ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल, या इनको हम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल को बोलेंगे वंशानुगत, वंशानुगत नहीं, ये इनको अभी वर्ड नहीं आ रहा ध्यान, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो, अच्छा मैं बताऊंगी, इसको लिखा दूंगी। तो डीएनए आरएनए एक तरह से जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एक तो टर्म्स यही है, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल अपोजिट है, कई बार निकल जाते हैं जवान से। तो जेनेटिक मटेरियल है यानी हमारे जीवन, देखो ध्यान से, डीएनए और आरएनए, यही वजह, यही न्यूक्लियस में इसी की वजह से जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स में जो जीन होते हैं, और जीन में जो पैतृक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो ये डीएनए के माध्यम से, डीएनए एक तरह से पैतृक लक्षणों को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीन होते हैं वो, ठीक है, इनमें जीन कोड होता है, ये कोड एक जैसा होता है पिता और पुत्र के बीच में। यही वजह है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह जो होती है उसके माध्यम से पता चल जाता है कि वो किसकी संतान है या उसके पिता माता पिता कौन है, वो डीएनए के माध्यम से पता चल जाता है। तो एक डीएनए जो होते हैं वो एक तरह से, मैं कई तरह से डिफाइन करूँ पर वो वर्ड नहीं आ रहा है, सिंपल जेनेटिक मटेरियल याद कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी, कल बता दूंगी पढ़ते हुए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें जेनेटिक, है ना, तो जेनेटिक्स जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स और जीन के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इकोलॉजी में मैंने आपको बता दिया, इको मतलब पूरा वातावरण जो अर्थ है और उसके कंपाउंड्स है वो हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट अर्थ मतलब पृथ्वी और उसके घटक, पृथ्वी और पृथ्वी के साथ जितने भी उसके छोटे छोटे जो घटक उसमें हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखें, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एंथोलॉजी। बस इसको एंथोलॉजी लिखना है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर करते हैं हम अध्ययन पुष्पों का, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन बहुत आता है। अब यहाँ पे पेलियंटोलॉजी है, पेलियंटो जहाँ पे भी होगा वो जीवाश्म की बात करेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, पेलियंटोलॉजी नहीं आया, क्वेश्चन क्या आया कि जो बॉटनी, पेलियंटो बॉटनी में किसका अध्ययन करता है। अब वो क्या पढ़ रहे थे, पेलियंटोलॉजी समझ के सीधे ध्यान आता है कि जीवाश्म जो जीव है उनका अध्ययन। तो याद रखना पेलियो बॉटनी आया है क्वेश्चन, पेलियो बॉटनी ये पीसीएस में ही आया था कि पेलियो बॉटनी हिंदी में भी पेलियो बॉटनी ऐसे लिखा हुआ था कि पेलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब पेलियो तो ये तो समझ में आ गया कि ये जीवाश्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जीवाश्म की अगर हम बात करें तो जीवाश्म में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जीवाश्म है ये पेलियो है, लेकिन ये बॉटनी लिखा है तो इसमें पादप जीवाश्म की बात करता है। ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत भी किया क्योंकि ऑप्शन में एक तरफ दोनों दिया हुआ था, पादप, दूसरी तरफ जंतु, तीसरी तरफ कवक और ऑल ऑफ थ्री, और सबको लग रहा था कि सबके जीवाश्म होंगे, इन सबके जीवाश्म लिखा हुआ था और आंसर लिख लिया ऑल ऑफ दीज। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पेलियो बॉटनी लिखा है तो ये सीधे सीधे पादप जीवाश्म की बात करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पूछा गया है कई बार पीसीएस के पेपर हो या स्टेट पीसीएस, जो स्टेट्स या उत्तराखंड स्टेट्स एग्जाम्स है और साथ ही साथ अदर स्टेट के एग्जाम्स पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो ये ध्यान रखना है पेलियो बॉटनी तो ये होता है। बाकी यहाँ पे पेलियंटोलॉजी है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पेलियंटोलॉजी है तो ये जीवाश्म का अध्ययन करता है पेलियंटोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जन, न्यूरॉन्स नर्व तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है तो न्यूरोलॉजी होगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो न्यूरो और ये शाखाएं पढ़ना बहुत जरूरी है, आम जीवन में भी तो आप पूछते हैं कि भाई हार्ट में दर्द हो रहा है किस वाले डॉक्टर के पास जाएं, है ना। कई बार होता है कि हमारी नसों में इसमें यहाँ दर्द हो रहा है, इधर हो गया उधर हो गया, हम किसके पास जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस ब्रांच के अंदर उसका अध्ययन कराया जाता है, मतलब डॉक्टर भी वही होंगे, है ना। न्यूरोलॉजिस्ट लिखा रहता है तो आपको पता तो चले न्यूरोलॉजिस्ट किसका ट्रीटमेंट देता है। तो कई आज की डेट में कई ऐसे जिनको पता नहीं चलता कि न्यूरोलॉजिस्ट है, तो पता नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट तो है पर भी क्या करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है, जो लोग गए होंगे जिन्होंने दवाई खाई होगी अपना ट्रीटमेंट कराएगा तो उसको तो पता है कि ये है ना। तो बाकी यहाँ पे हम पढ़ के जान लेते हैं कि इसके अंदर किसका अध्ययन। तो न्यूरोलॉजी की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। वहीं पैथोलॉजी तो पैथोलॉजी पैथोजन, एक तो पैथोलॉजी सेंटर है वो अलग, पैथोजेंस की बात हो रही है। पैथोजेंस का मतलब होता है रोगाणु, पैथोजेंस इनको रोगाणु कहा जाता है, ठीक है। पैथोजेंस ठीक यानी रोग को करने वाले, अलग अलग रोग किसी ना किसी वजह से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी कवक की वजह से या जो भी रोग हो रहे हैं उनको रोग करने वाले कौन से रोगाणु हैं वो आ जाते हैं। तो ये रोगाणुओं का अध्ययन होता है पैथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये ध्यान रखिए कि पेलियंटोलॉजी जीवाश्म, एंथ्रोपोस्ट न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र, पैथोलॉजी पैथोजन या रोग या रोगाणुओं का अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे आज के लिए, इससे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, अब वायरोलॉजी है तो वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस। वायरस को इतना सुन लिया होगा कि वो नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी पता होगा कि वायरस और कोरोना वायरस के बारे में तो जितना सुन ही लिया तो उससे वायरस क्लियर हो गया। तो वायरस जो है वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं। वायरस का अध्ययन करने का मतलब है, आप जानते हैं वायरस का डीएनए नहीं होता, आरएनए होता। डीएनए होता तो फिर म्यूटेशन और वो सब पकड़ लेते, फिर डीएनए में जीन को, आज तो जीन कोड तक चेंज हो जाते हैं, मतलब कोड भी चेंज हो सकता है। अभी आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज वाला कंसेप्ट जो आ रहा है ना, टेस्ट ट्यूब में भी मतलब पूरे शरीर से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में बेबी। जानवर तो बहुत ऐसे हैं जो पैदा होके बड़े हो गए, यानी इंसान, अब वो तो इंसान की पॉपुलेशन अपने आप ही इतनी ज्यादा है तो टेस्ट ट्यूब में और बेवजह पॉपुलेशन क्या करनी। तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो कई चीजें हैं जो हमारे सामने उनके तथ्य नहीं आते, लेकिन सिंपल सी बातें हमें पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट्स हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वायरोलॉजी की बात करें तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है, तभी तो पता चलता है ये कोरोना वायरस, ये ओमिक्रोन आ गया, डेल्टा बीटा गामा थीटा पता नहीं कौन कौन से आ गए, मुझे अभी पूरे डिटेल याद भी नहीं है। अल्फा से शुरू हुए थे, वो डेल्टा इंडिया का याद है, ओमिक्रोन आजकल चल रहा है तो ओमिक्रोन के बारे में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और पहले देश अपने देश के नाम तो अब देश पर आधारित तो हट गए नाम उनके, है ना। फिलहाल इनका अध्ययन और फिर किस तरह के इनके केसेस होते हैं, कैसे ये काम करता है, तभी तो हमें पता चलता है कि ये इतनी तरह से संक्रामक है, ये बहुत ज्यादा संक्रामक है। ओमिक्रोन के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो जितना संक्रामक है लेकिन माइल्ड है, होता हो रहा है लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा डीप नहीं है जितना सेकेंड वाली वेव में हुआ था, और अभी भी आगे पता नहीं। और हमेशा जब पेंडेमिक एंड एपिडेमिक यानी कि इसको हम बोलते हैं महामारी, जब नीचे से ऊपर जाती है यानी कि जब कभी बच्चे को हुआ, फिर उसके बाद जवान आए, फिर उसके बाद बूढ़े आए, तब वो खत्म की ओर जाती है। लेकिन जब बूढ़ों से बच्चों की ओर आती है तो अभी नहीं पता चलता कि कभी बीमारी खत्म होगी। यही इस कोरोना के साथ हो रहा है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सबसे पहले कौन अफेक्ट हुए थे आपको पता है, 45 के ऊपर वाले, है ना। जब तक 45 से ऊपर वालों को वो वैक्सीन लग रही थी तब तक ये बीच में अफेक्ट हो गया, आधे ये चले गए। अब कहा जा रहा है कि अब 12 से 18 एज वाले, फिर कहेंगे 6 से 12 एज वाले, फिर कहेंगे 1 से 6 एज वाले, फिर यानी कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वाले में ये जैसे इबोला वायरस का 5 साल चला था, तो ये जो वायरस पोलियो वायरस तो आप लगा लीजिए पता नहीं कितने साल चला है पोलियो वायरस को लेकर। ये भी ध्यान रखेंगे कि पोलियो वायरस से रिलेटेड भी आएगा। तो पोलियो ड्रॉप तो आज भी पिलाई जा रही है, जैसे आप लगा लीजिए कोरोना वैक्सीन लग गई है, एक टाइम के बाद जब ये हट जाएगा तब भी कोरोना वैक्सीन, अब क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है तो वो लगेगी, है ना। अभी बच्चों के खुद ही वैक्सीनेशन होता है तो लगे 2 साल तक तो लगातार हर महीने वैक्सीन लग रहा है ना। कभी काली खांसी, डिप्थीरिया, ये वो, अभी टीबी का टीका, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कोरोना भी इसी तरह की एक वैक्सीन है। वैक्सीन बनने की प्रोसेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ठीक, तो वायरोलॉजी में वायरस हो गया, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया हो गया, ऐसे हीमेटोलॉजी में हीमेटो, हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में होता है। तो हीमेटोलॉजी होगा तो ब्लड यानी रक्त, और उसके जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा है क्या है, तो उसका अध्ययन करते हैं हीमेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त और उसके अलावा उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हीमेटोलॉजी के अलावा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में ध्यान रखिएगा, ऑर्निथो पक्षियों का अध्ययन करता है, पर वाले होते हैं जो, तो ऑर्निथो में जो पर वाले होते हैं तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं हम ऑर्निथोलॉजी में। ये चीज याद रखेगा, और यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बच जाते हैं किसी ना किसी शाखा से। तो आज जितना पढ़ा है इसमें से आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में से, बहुत सारे क्वेश्चन कभी ना कभी टकराएंगे किसी ना किसी स्टेट टीचर्स में। तो अभी तो एक ही लेक्चर है, अभी और भी पढ़ेंगे आप बायो में, तो ये सब आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कुछ है तो उसको करते हैं, नहीं तो आज की क्लास हम समाप्त करेंगे अब, है ना। टाइम हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा और है, फिजिकल्चर, ये कल्चर है, इनको भी देख लो फटाफट। कल्चर यानी जहाँ आर्थिक रूप से इसको जोड़ा जाता है, यानी कि अब इसको उगा, अब कल्चर का मतलब ये नहीं कि पिस्सीकल्चर है तो इसमें मछली की खेती नहीं होती, पर मछली को उगाया मतलब मछली का पालन किया जाता है। तो जहाँ उनका आर्थिक हित के लिए पालन किया जाता है वो कल्चर कहा जाता है, तो वो हो गया पिस्सीकल्चर। तो पिस्सीकल्चर हो जाएगा आपका मत्स्य, मछली, है ना, मत्स्य। तो ये हो गया आपका मछली। तो पिस्सीकल्चर के अंतर्गत आप मछलियों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी मछली क्या है, सैल्मन फिश है, ये फिश खाने में अच्छी होती है, ये होती है, ये काम, ये फिश तो ऐसा और कुछ काम आती है, खाने के काम आती है ना। और खाने के काम मतलब जो बेच रहा है, खाने के काम तो ये नहीं कि खाने के लिए, वो बेचने के लिए, यानी उसका आजीविका का माध्यम है ये। कई लोग मछली जो खरीदते हैं, पश्चिमी बंगाल या कई ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मछली, वहाँ सब्जी, हरी सब्जी, बहुत सारी सब्जियाँ जैसे यहाँ पे उत्तर भारत में होती है तो यहाँ नहीं, यहाँ तो सब्जियाँ अच्छी खासी हो जाती हैं। यहाँ पे पानी कोई नदी नाला ऐसा कुछ, नाला तो नहीं पर नदी, और कहीं पे फिशरी ऐसा होती नहीं, नॉर्मली फिश कहीं कहीं पाई जाती है, ऐसे कहीं पे भी पाई जाएगी, बगल में पानी है तो वहाँ पे फिश। तो ये जो सिस्टम होता है कल्चर के थ्रू उन मछलियों का उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग है, चाहे वो भारतीय बाजार हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर फिश तक मिलती है। और फिर खाने वाले तो मगरमच्छ, बिच्छू, घास, पता नहीं सब चमचा सभी खा रहे हैं, चमगादड़ खाते तो ये हो रहा है सब कोरोना। बाकी वो भी कंफर्म नहीं है कि चमगादड़ खाने के ऊपर हुआ होगा, क्योंकि चाइनीज का अगर मैंने देखा नहीं, वो भुने हुए क्या सूखे हुए कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कॉकरोच सब खाते रहते हैं, और बाकी वही हिसाब है उनका, है डिस्कवरी में आता रहता है। फिर एपीकल्चर की बात करें तो एपी हनी, हनी बी यानी शहद, तो याद रखना हनी बी यानी मधुमक्खियां, यहाँ पे शहद बनता है लेकिन हनी बी मधुमक्खियों का इसमें वो होता है, पालते हैं मतलब मधुमक्खियां, है ना, डब्बों में नहीं होती मधुमक्खियां, और वो एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। डब्बों में फूल से अपना वो लेके सैप लेके फिर वो वहाँ पे शहद बनाते। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी, इसको हम बागवानी बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरी याद रखेगा रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट का अध्ययन यानी रेशम के बारे में, रेशम कीट का अध्ययन नहीं, रेशम कीट को पाला जाता है मतलब सेरीकल्चर के अंतर्गत। ये शहतूत होता है, शहतूत है ना, केमू बोलते हैं उत्तराखंड में केमू, इसकी लकड़ी के मुखौटे बनते हैं। रमाण नृत्य में केमू की लकड़ी के मुखौटे आते हैं, याद रखिएगा। रमाण एक नृत्य जो है यूनेस्को में आया है, रामायण का फॉर्म है ये, और इसमें केमू यानी शहतूत के लकड़ी के मुखौटे बनाते डांस किया जाता है, तो इसको रमाण कहते हैं। याद रखिएगा शहतूत, याद रखिएगा। तो रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट को पाला जाता है। शहतूत की पत्तियां खाता है ये, है ना, तो शहतूत की पत्तियों में लगे रहते हैं, कैटरपिलर टाइप होते हैं, ऐसे कैटरपिलर होते हैं, आगे से मोटा सा होता है ना, पीछे से ऐसे छोटा छोटा ऐसे होता है, तो ये होता है। तो ये इनका प्यूपा, प्यूपा वाली फॉर्म होती है। हाँ तो शहतूत को ही तो बोलते हैं, शहतूत होते हैं केमू, शहतूत को ही बोला जाता है। तो वो है। अब ये कीड़े क्या बनाते हैं, अपना प्यूपा बनाते हैं, इसमें चारों ओर एक लार्वा से ऐसे, और इनको वैसे बहुत एक तरह से हिंसक है ये, इसका बनाने का प्रोसेस है ना। हिंसक ये है कि वो जीव अंदर होता है, बाहर से उसका रेशम होता है, और जब वो जीव पकता है तो वो बाहर आके उठता है ना, तो ये इससे पहले ही उसको क्या होते हैं उबाल के उसका रेशम, क्योंकि अगर फटेगा तो रेशम टूट जाता है। रेशम क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किसका, तो जो कीट है उसकी लार का प्रोटीन है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी की जो लार है वो भी प्रोटीन है, जाला है ना वो भी प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। तो वो प्रोटीन होता है, खाने वाला नहीं, मतलब अपनी बॉडी में भी प्रोटीन विटामिन नाम की चीज होती है ना, वो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो रेशम का कीट जो होता है वो भी अपनी लार से अपने चारों एक ऐसे कवच बना देता है, और वो जो कवच है वो अगर वो फट गया तो वो टूट जाता है, इसीलिए उसको फटने से पहले उसको पानी में उबाल के उसके रेशा लग, तो अंदर कीड़ा मरेगा नहीं इतने टेम्परेचर में। तो एक तरह से ये हिंसक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस पूरी अलग पढ़ते हैं हम, ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज था, क्वेश्चन में आता है कि रेशम के कीट से रेशम कैसे बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस सिल्वीकल्चर एक लास्ट है। तो सिल्वीकल्चर जो होता है इसके अंतर्गत हम जंगल, फॉरेस्ट का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट यानी जंगल का अध्ययन, ठीक है, हो गया। तो सिल्वीकल्चर जंगल का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ ये खत्म कर देते हैं आज। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म, ठीक है ना। तो होपफुली आपको बायो समझ में आ रही होगी, और अगर किसी को नहीं आई, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे जरा सुरेन जी को कॉल करके मेरे से बात कर लें कि किस तरह से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, कुछ भी है, नहीं बताएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। बाकी जितनी चीजें मैंने आपको रैंडमली बताई उनको तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते वो याद आता है, क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी पाला पड़ता है इन क्वेश्चन से, तो वो क्वेश्चन आते जरूर हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट, चलिए ठीक है। हाँ इनसे मिलेगा, जब इंस्टीट्यूट है तो वो अभी प्रोवाइड कराएंगे आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है। कैसे कराएंगे तो बात करेंगे, आप बात करेंगे कैसे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, उसी के माध्यम से बात करते हैं इस बारे में, है ना, किस प्रकार से उपलब्ध कराया आप सबको, चलिए आज के लिए धन्यवाद।